आज मैं बताऊंगी कि इमली को एक साल तक स्टोर करके कैसे रख सकते हैं अभी इमली का सीजन चल रहा है तो 20 से 50 रुपया के के हिसाब से मार्केट में इमली आ रहा है जब सीजन चला जाएगा तो यही इमली हम मार्केट में लेने जाएंगे तो 200 से 400 सौ रुपया के के हिसाब से हमें इमली मिलता है तो हमें अभी इमली स्टोर कर लेना चाहिए तो चलिए बताते हैं कि कैसे इसे स्टोर करेंगे सबसे पहले जो ये इमली का ऊपर का स्किन है जो छिलका है उसे हम हटा लेंगे जब इमली को हम दोनों हाथों से प्रेस करेंगे दबाएंगे तो जो इसका छिलका है आसानी से हट जाता है ये देखिए कितना आसानी से हट गया इसी तरीके से हम आपको एक बार और दिखाते हैं कि कितना आसानी से इसका छिलका हट जाता है इमली को उठाएंगे और दोनों उंगलियों से प्रेस करेंगे इस तरीके से देखिए कितना आसानी से इसका छिलका हट जा रहा है इसी तरीके से सारे इमली के छिलके को हमें हटा लेना है सबसे पहले उसके बाद हम इसके जो रेसें हैं उसे भी हटा लेंगे तो सारे इमली के जो स्किन है उसे हमने हटा लिया है रिमूव कर लिया है अब इसे हम बताएंगे कि बीज को कैसे अलग करेंगे एक चाकू लेंगे और इमली के अंदर जो बीज है ना उसके ऊपर हम बीचों बीच पीछ कट लगाएंगे ये देखिए जहाँ जहाँ पे बीज है उसके ऊपर मैं कट लगा रही हूँ ये कट इसी तरीके से चाकू के हेल्प से आप सारे इमली के बीज पे लगा लीजिए उसके बाद देखिए कितना आसानी से ये बीज बाहर हो जा रहा है तो जहाँ हमने कट लगाया है इमली के बीज के ऊपर उसे वहीं से दोनों हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे बीचों बीच और उंगलियों की मदद से इसके बीज को बाहर कर लेंगे देखिए बहुत ही आसानी से इसका बीज निकल जाता है आप जिससे अदरक कूटते हैं ना ये मंदास्ता जो होता है जो अदरक वगैरह हम कूटते हैं उससे भी कूट आप बीज को बाहर कर सकते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका है चाकू से इसके ऊपर कट लगाइए और दोनों हाथों से इसे दोनों साइड इस तरीके से आप मोड़ेंगे तो इसका बीज बाहर निकल जाएगा उसके बाद इसे हम पीसेज में तोड़ लेंगे जहाँ जहाँ से हमने कट लगाया है वहीं से हम इसे तोड़ लेंगे और साथ साथ इसके जो रेसे हैं उसे भी हम साइड कर देंगे ताकि जब हम इमली को यूज करें जब भी हम इसे काम में लें तो बीज और इसके रेसे निकालने ना पड़े इसलिए हम बीज और रेसे को अभी ही निकाल देंगे तो ये देखिए इसी तरीके से सारी इमली के ऊपर इस तरीके से हल्का कट लगाएंगे उसके बाद इसके बीज को फटाफट से हम निकाल लेंगे तो देखा आपने बीज कितने आसानी से इसके निकल जा रहे हैं तो चलिए सारे बीज को हम निकाल लेते हैं उसके बाद बताते हैं कि आगे क्या करना है तो सारे बीज को हमने निकाल लिया है ये देखिए कुछ को हमने तोड़ लिया है और कुछ बाकी है तो सारे को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं आप चाहें तो ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं लेकिन हम तोड़ कर करेंगे तो जगह कम लगेगा और बहुत आसानी से इसे किसी भी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं तो इसे हमने पीसेज में तोड़ लिया है अब इसमें हम डालेंगे नमक यहाँ पर सफ़ेद हम नमक हमने लिया है आप काला नमक भी ले सकते हैं एक से डेढ़ चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे नमक और नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इमली के अंदर नमक डालने से क्या होता है कि इसमें फंगस या कीड़े नहीं लगते हैं एक साल तक ऐसा के ऐसा ही इमली रहता है तो हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं तो चलिए दोनों हाथों से मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो नमक है अच्छे से हर जगह इमली पे कोट हो जाए ये देखिए कितना अच्छा से कोट हो चुका है अब इसे आप चाहे तो इस तरीके से लड्डू बनाकर भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं आपकी मर्जी तो इस तरीके से लड्डू बनाकर या ऐसे ही इसे तीन दिन के लिए हम धूप दिखा लेंगे उसके बाद ठंडा करके इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे कोई कांच का बढ़नी है इस तरीके से या चिन्नी मिट्टी का है उसमें आप इसे रखकर और रख सकते हैं आप इसे फ्रीज में भी नहीं रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा बाहर भी इसे रख सकते हैं तो इसे नमक लगाने के बाद दो दिन अच्छे से धूप दिखाया मैंने उसके बाद इसे डब्बे में भरकर मैंने रख दिया है आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर इसे एक साल के लिए रख सकते हैं तो रेसिपी कैसी लगी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक